अप्लाई करना चाहिए, डीप और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे थोड़े बहुत पैसे बन जाए, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे जब किसी आईपीओ पर एडवाइस करना होता है तो मुझे न सिर्फ आईपीओ की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी बल्कि मार्केट के एंगल से भी देखना होता है। मार्केट का रिएक्शन आजकल जिस तरह का है, मार्केट का मूड माहौल है, कौन जाने अगर लिस्टिंग हो तब तक 16,500 निफ्टी आ जाए तो, राइट। तो वो रिस्क आप जो आजकल जिस स्पीड से 300-300 पॉइंट निफ्टी रोज निकल जाता है तो आपको वो एक कुशन लेकर चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सोचे और शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी। लेकिन शॉर्ट टर्म सोचे और ना बने, लॉन्ग टर्म हो जाए तो उसमें तकलीफ ज्यादा होती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए, पोजिशनल जिसे कह सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए कह सकते हैं, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आमतौर पर मैं या तो लॉन्ग टर्म ही बोलता हूँ या लिस्टिंग है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने एक टर्म और यूज किए, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अगर लिस्टिंग पे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये स्टॉक लिस्टिंग पे पैसा ना भी बना के दे और आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कहीं कोई हर्ज नहीं। और उसकी कुछ बहुत बढ़िया वजह है दीप, पहली चीज तो कि ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में ये अपने आप में लीडर है, टेक्नोलॉजी देने वाला, बहुत ही बेहतरीन पोजिशन है ये कंपनी, साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम करती है, नए जमाने का बिजनेस है और इस अपने बिजनेस में लीडर होना सबसे बड़ी बात है। आप जो भी काम करें उसमें अगर आप नंबर वन हैं, आप लीडर हैं, आपने उसमें महारत हासिल की है तो फिर उसमें आपकी वैल्यू होती है। और रेड गेन की वैल्यू इसी वजह से है कि ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी इस इंडस्ट्री में लीडर है। और इस लिहाज से इस इंडस्ट्री के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्लस टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितनी डिमांड इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की और बढ़ने वाली है, उसके लिए कंपनी वेल पोजिशन है। तो आगे के लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहद दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो चीज। तीसरी चीज है, प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत है, वेल क्वालिफाइड है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, नए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और आज के जमाने के नए प्रमोटर्स जो वेल क्वालिफाइड और सबसे पहले बिजनेस में घुसे हों और उसके बाद मार्केट लीडरशिप हासिल करें, उन प्रमोटर्स को रिवॉर्ड करना मार्केट का भी काम है। हमें भी अच्छी कंपनियां चाहिए, हमें भी अच्छे प्रमोटर चाहिए ताकि बाजार में आपको निवेश के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले और रेड गेन उस पूरे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। तो ये तीनों पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और इस प्रमोटर्स में, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स में दीप एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, ये एक और ऐसी कंपनी है जहां प्रमोटर्स और कंपनी पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। और इस तरह की कंपनियां मुझे पसंद आती है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत महंगी चीज है, आसानी से किसी को मिलती नहीं है। और ऐसे में इस तरह की छोटी कंपनियां अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करती है, नीट एंड क्लीन काम करती है, लीगल और लिटिगेशन नहीं है, तो उनको एक प्रीमियम बाजार को जरूर देनी चाहिए। तो ये तीन अच्छी चीजें हैं जो इस कंपनी को लेकर है। अब कुछ नेगेटिव है जो बता दूं, सबसे पहला नेगेटिव तो कोरोना का ही है, ये फिर से ओमिक्रॉन का डर, भगवान न करे चलिए, ट्रेवल इंडस्ट्री फिर से खतरे में है, एविएशन इंडस्ट्री फिर से खतरे में है ग्लोबली, तो बिजनेस मॉडल इनका इम्पैक्ट हो गई, असर हो गई। तो कोविड के साथ इनका ताल्लुक एकदम बिल्कुल यूं कहना चाहिए कि एकदम वन ऑन वन कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है कि मतलब कोविड हुआ तो बिजनेस खराब होना ही होना है। तो वो एक रिस्क है जो लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में है। दूसरा, मुनाफा कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा, पिछले दो साल में लॉस किया, उसके पहले प्रॉफिट किया था, हालांकि जो लॉस किया उसके पीछे कारण अलग है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी है, लेकिन लॉस तो लॉस है। तो एक बार है ना, हम इस तरह की कंपनी में, छोटी कंपनियों में एक रिस्क होती है और वो ये होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी का ठीक ठीक अंदाजा लगाना फ्यूचर के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि अचानक से कोई एक साल कुछ अच्छे ऑर्डर्स की वजह से, कोई अच्छे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बढ़िया हो जाए और अचानक दूसरे साल कहीं कोई चीजें बदल गई, तो छोटी कंपनियों के लिए इस तरह के शॉक झटके या एक दो कस्टमर निकल गए, मैं इस कंपनी के केस में नहीं कह रहा कि निकले, लेकिन एक दो कस्टमर निकल गए या अचानक से ग्लोबल माहौल कुछ बदल गया तो वो कंपनी अचानक से प्रॉफिट से नुकसान में हो जाती। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाना बाकी है, प्रॉफिट आ जाएगा, आना चाहिए, होगा भी, ये सब नजर आता है। और अगर कोविड की रिकवरी हो गई तो प्रॉफिट ज्यादा तेजी से आएगा, दो साल पहले तक प्रॉफिट में थी भी और पिछले दो साल में कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से प्रॉफिट से लॉस में भी आए, तो वो हल्का सा नेगेटिव है। दो नेगेटिव है, छोटे नेगेटिव है, पॉजिटिव ठीक है, बस एक कोविड का अगर मामला फिर से नहीं आया तो ये कंपनी कमाल कर सकती है, तब आपको लिस्टिंग पर भी मुनाफा बना कर दे सकती है। तो मेरे ख्याल से मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए रेड गेन में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करिए रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ आज से खुल रहा है।